अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। इस वक्त सुबह का टाइम है और बच्चे जो से हैं वो स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर आखिरकार तकरीबन 2 महीने के बाद बच्चों के स्कूल जो से हैं वो ओपन हो रहे हैं हाफ डे के लिए। बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे स्कूल जाने के लिए। इसके साथ साथ थोड़े से वो परेशान भी थे या पज़ल कह लें, क्योंकि कोरोना वायरस के खौफ ने ना सिर्फ बड़ों को मुतासर किया है बल्कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। लेकिन माशाल्लाह बच्चे काफ़ी समझदार होते हैं और अगर आप उनको समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं। उनको मैंने बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने स्कूल में चीज़ों को हाथ लगाने से अवॉइड करना है और मुँह में बिल्कुल भी आपने उंगली नहीं डालनी। बच्चों की बहुत बुरी आदत होती है, बुरी तो नहीं कहेंगे, वो बेचारे मासूम होते हैं, उनको नहीं पता चलता, वो हर चीज़ मुँह में डाल लेते हैं। कोई चीज़ ना भी मिले तो मुंह में उंगली डाल लेते हैं। और सबसे बढ़कर हमारे ईमान की ताकत, हम मुसलमान हैं, हम लोग किसी कोरोना वायरस से नहीं डरते। तो बच्चों को मैंने घर से निकलने से पहले कहा कि सारे बच्चे जो हैं ना या हाफिज़ या सलाम अल्लाह पाक का जो नाम है वो पढ़ें और साथ में आयतुल कुर्सी चारों कुल वगैरह तो मैंने पढ़े ही थे, ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए, कि अल्लाह पाक उनको अपनी अमान में रखे। आ चुका है और मेरे जो तीनों बच्चे हैं वो तीन डिफरेंट लोकेशन पर उनके स्कूल्स हैं। तो सबसे पहले बड़े को छोड़ेंगे और ये रूट जो है जाने का है और ये दूसरी तरफ से आने का है। पेरेंट्स को अलाउ नहीं है कि वो स्कूल के अंदर आएं, बाहर से ही बच्चों को छोड़ के वो वापस आ जाएं। अभी बेटी को ड्रॉप करूंगी और फिर 11 बजे इनको छुट्टी हो जाएगी। जो मेरा छोटा बेटा है वो जाता है पाउदर स्पेलसाल, यानी कि प्री स्कूल जाता है वो, और वो 4 दिन जाता था लेकिन ये फर्स्ट वीक है स्कूल खुलने का तो स्कूल वालों ने कहा है कि वो सिर्फ 2 डेज़ आएगा। मौसम इतना प्यारा था लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी तो सोचा थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पर हम चलते हैं। दरअसल गाड़ी के टायर्स की हवा जो सी थी वो भरवानी थी लेकिन वो मशीन जो सी थी वो डिफेक्टेड थी, तो सोचा खुद ही हवा खोरी कर लेते हैं। मेरा पुराना ड्रेस था जो कि मैं अपने ही पहनती, तो सोचा क्यों ना इसको कुछ DIY करके ज़रा प्यारा सा अपनी बेटी का एक स्कर्ट बना लूँ। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इस ड्रेस से एक बहुत ही खूबसूरत सा स्कर्ट जो सा है वो तैयार किया अपनी बेटी के लिए। वेस्ट से मैंने इसे कट कर लिया था और अंदर की तरफ मैंने तरपाई कर ली थी। ये डोरियाँ जो सी हैं ये ऑलरेडी पहले की निकली हुई थी तो ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा मुझे। तो देखिए कितना प्यारा सा स्कर्ट जो सा वो रेडी हो चुका है। डोरियों को आगे से मैंने गिरा लगा दी थी, पीछे से ये स्टाइल है और आगे से इस तरह का है। मुझे ये दिया था, ये मैंने फुल हुडी डिजाइन किया था, बहुत प्यारा। चलो इसे गार्डन में लगाएं। स्कूल से जब बच्चे आए तो सारे बच्चों को टीचर की तरफ से ये फ्लावर प्लांट दिया गया था, तो ये मेरी बेटी का है तो वो कह रही थी इसे गार्डन में लगाते हैं। यहाँ पर ये देखें कितना प्यारा सा जो धनिया है वो निकल रहा है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मैं धनिया उगाने लगी हूँ, सूखे धनिए के बीच मैंने यहाँ पर बोए थे और यहीं पर कहीं पर मैंने हरी मिर्चें जो उनसे थी उसके बीज भी डाले थे लेकिन पता नहीं चल रहा कि कौन से हैं। खैर जब निकलेंगे तो पता चल जाएगा। आपने अपने सारे हाथ गंदे कर लिए है ना, चलो बस अब इसको दफन थोड़ी करना तुम लोगों। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फेवरेट रेसिपी, कुल्फ़ा रबड़ी की रेसिपी। मुझे दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद हैं, जैसे कुल्फ़ा रबड़ी हो गया, इसके अलावा गाजर का हलवा हो गया, खीर हो गई, खोया हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो दूध लिया है। इसको ये जब बॉयल हो जाए इसके बाद इसको सिर्फ पकने देना है और किचन से बिल्कुल भी नहीं आपने बाहर निकलना वरना आपका दूध जो सा वो लग जाएगा। खोया बनने तक इसके पास ही आप रहें, किचन के दूसरे काम कर लें, बर्तन धो लें या कोई और कैबिनेट वगैरह की सफाई कर लें, लेकिन बिल्कुल भी आपने किचन को नहीं छोड़ना और वक्तन फोक्तन थोड़े थोड़े मिनट्स के बाद, 2-3 मिनट्स के बाद इसमें चम्मच ज़रूर हिलाना। इसमें मैंने छोटी इलायची ऐड कर दी हैं और अब इसके अंदर मैं जो क्रश किए हुए बादाम हैं वो भी ऐड कर दूँगी। इस दूध से बना रही हूँ मैं कुल्फियाँ, ठीक है, और जब ये मुकम्मल हो जाएंगी कुल्फियाँ तो उसके बाद मैं बताऊंगी मैंने रबड़ी कैसे बनाई।
रबड़ी और कुल्फियाँ सेम ही प्रोसेस होता है, बस कुल्फियों में ये होता है कि आपने दूध को ज़्यादा खुश्क करना होता है, जबकि जो रबड़ी है उसमें इतना खुश्क नहीं करना होता। जो ही दूध जो सा थिक थिक हो जाए वहीं पर आपने स्टॉप कर देना होता है। पॉइंट पर आकर मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूंगी, तकरीबन 5 से 6 चम्मच या जिस तरह का आपका टेस्ट है। अगर ज़्यादा आप पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से इसे मैं मिक्स कर लूंगी और बस तेज़ आंच पर इसको मैं मज़ीद जो दूध है उसको खुश्क करूंगी। अगर आप तेज़ आंच हैंडल नहीं कर सकते तो आप हल्की आँच पर भी दूध को खुश्क करते जाएँ। डेढ़ किलो दूध जो सा था वो आधा किलो से भी कम हो चुका है और अब इसे यहीं पर स्टॉप कर दूंगी मैं। इतना मज़ेदार ये खोया बना था कि दिल कर रहा था कि कुल्फियाँ छोड़ो ऐसे चमची के साथ खा लो। खैर, अब इसे ठंडा होने पर मैं जो सांचे हैं कुल्फियों के उसमें भर के फ्रीज़र में रख दूंगी और जब ये कुल्फियाँ बन जाएंगी तो फिर मैं बताती हूँ क्या करना है मैंने आगे। अच्छा जी, अब मैं बनाने लगी हूँ रबड़ी। रबड़ी के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उसके अंदर मैंने इलायचियाँ भी डाल दी हैं, चीनी भी तकरीबन 1/2 कप डाल दिया है क्योंकि रबड़ी जो उनसे मीठी अच्छी लगती है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको तब तक मैं पकाऊँगी जब तक कि दूध जो है वो लगभग 1/2 लीटर तक नहीं रह जाता। कुछ इस तरह की इसकी शक्ल हो जाएगी तो मैं चूल्हा बंद कर लूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये आज के दिन की हमारी इफ्तारी थी जिसमें बर्गर्स थे, बेक्ड भल्ले थे, इसके अलावा पालक आलू का सालन था जो कि मेरे हस्बैंड ने सिर्फ खाया था, स्कंजवी थी और खजूरें थीं। और इफ्तारी के थोड़ी देर बाद हम लोगों ने कुल्फा रबड़ी खाई थी। कुल्फियाँ भी जम चुकी हैं और रबड़ी भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, फ्रिज से निकाली अभी मैंने। तो क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इन कुल्फियों को इन सांचों से निकालूँगी। इसके लिए इन कुल्फियों को मैं थोड़ी देर के लिए टैप वाटर में रख दूंगी और फिर ये आसानी से सांचों से निकल आएंगी। ये देखें, रबड़ी के अंदर मैंने कुल्फियाँ डाली हैं और साथ में ये तुखमलंगा है और मेरे पास जो कुल्फे की जो सेव होती है वो नहीं थी तो मैंने स्पैगेटी जो सी थी उसको ही बॉयल करके डाल लिया। बहुत मज़ेदार थी, बहुत मज़ेदार थी। गार्निश के लिए मेरे पास कोई ड्राई फ्रूट मौजूद नहीं था वरना वो भी मैं ऊपर स्प्रिंकल करती। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इतनी मज़ेदार चीज़ बनती है ना। किसी का दिल जीतना हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आने वाली है जिसको भी आप खिलाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको और आप सबके प्यारों को अपने अमान में रखे। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।